वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रियंका फ्रॉम डिफेंस लेटर ग्रुप। आज हम आ गए हैं बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी पर। नाउ लेट्स गो टू दी प्रॉपर्टी। तो आज हम आ गए हैं बहुत ही अमेजिंग से और लग्जरी प्रॉपर्टी पर। तो ज्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। आ जाइए। तो आज हम बात करेंगे लग्जरी की प्रॉपर्टीज। लग्जरी तो मैंने आपको बहुत सारी दिखाई है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूँ, मैं इसको लग्जरी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ या फिर इसकी कंस्ट्रक्शन की या हमें जो फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड हो रही हैं, मतलब मैं खुद सुन के मतलब लाइक वाव वाला जो है वो मेरे मुंह से मूवमेंट निकला उस टाइम पे। तो आज मैं ऐसी लोकेशन में आपको लेके आई हूँ जहाँ पे 4 स्टेट की आपकी कनेक्टिविटी है, रोड की ऑन रोड प्रोजेक्ट है। एंड कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो आज ऐसी 100% के जो है मेवान कंस्ट्रक्शन आपकी जो है ये रहने वाली है। बहुत ही अमेजिंग सा प्रोजेक्ट है सच मानो तो। इसके मैं आपको प्रोजेक्ट का नाम बता देती हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है अपना गोल्ड मार्क। समझ रहे हैं आप, गोल्ड मार्क की गोल्ड जो है वो हमारा लग्जरियस में ही आता है। तो इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल रही थी कि जो प्रोजेक्ट है हमारा बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट है। इसमें जो फैसिलिटीज है बहुत सारी अमेजिंग फैसिलिटीज है। टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधे फैसिलिटीज एंड अपने सैंपल की तरफ लेके चलते हैं। आइए चले। तो अब हम आ चुके हैं सैंपल फ्लैट के बाहर। ये जो सैंपल है हमारा मतलब बहुत ही अमेजिंग सी जगह में बना हुआ है। मतलब एक्चुअल सैंपल जो मतलब एक्चुअल फ्लैट जो रहने वाला है अपना वो कुछ इस तरीके से ही रहने वाला है। तो आइए अब अंदर चलते हैं। ये आपकी मेन एंट्रेंस आ गई, ठीक है। डोर आ जाता है आपका, वीडियो डोर लॉक सिस्टम आ जाता है एंड सिक्योरिटी आपकी आ गई। यहाँ पे लॉक आ जाएगा येल कंपनी का। वाओ, इसी से मैं मतलब सोच सकती हूँ कि जो लग्जरी है वो इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जब एक घर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं कि एंट्रेंस एंड वाइव। तो जैसे मैंने इस यहाँ पे एंटर किया है तो मतलब एक लग्जरी की जो है वो मुझे वाइव आई है। काफ़ी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे स्पेस को जो है यूटिलाइज किया है। इंटीरियर बहुत ही प्राइम है। इसी के सामने मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा हमें यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग सा स्पेस है यहाँ पे भी। फर्स्ट जो आता था ऑलमोस्ट हम गेस्ट बेडरूम को ही प्रेफर करते हैं, तो मेरे बिल्कुल सामने अगर मैं देख पा रही हूँ तो जो गेस्ट बेडरूम आ जाता है। तो आइए एक बार चलते हैं, देखते हैं कैसा है गेस्ट बेडरूम। तो अब हम आ चुके हैं गेस्ट बेडरूम, या मतलब अगर आप कुछ भी अगर इसको इस बेडरूम को मतलब किड्स बेडरूम बनाना चाहें या कुछ भी है, क्योंकि सभी रूम्स के साइज़ की अगर मैं बात करती हूँ आपसे तो बहुत ही अच्छे साइज़ हैं। किंग साइज़ जो है वो इस फ्लैट को मैं नाम दे सकती हूँ। नाम क्या दे सकती हूँ कि है ही किंग साइज़ है ये, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो इंटीरियर वर्क बहुत प्यारा है बहुत ही ज़्यादा, और फ्लोरिंग की मैं बात करती हूँ वुडन की फ्लोरिंग आपकी यहाँ पे आ जाती है। इसी के साथ हमारा आ जाता है वॉशरूम, अटैच वॉशरूम आ जाएगा। फ्रंट में जो है वो आपके इस तरीके से आप जो है LED पैनल वगैरह जो है अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी आ जाती है आपकी स्टोरेज एरिया, यानी आपका कबर्ड सेक्शन आ जाता है। और कबर्ड सेक्शन के बिल्कुल साथ में जो है वो आपको बहुत ही अमेजिंग सी बेल्कनी है, जिसका साइज़ बहुत ही प्यारा साइज़ है। अगर मैं व्यू की भी बात करती हूँ तो बहुत ही अमेजिंग व्यू है। आप जो कोई भी फ्लोर लेते हैं यहाँ पे तो बहुत ही प्यारा व्यू आपका रहने वाला है, क्योंकि इसकी सभी रूम्स एंड लिविंग डाइनिंग के साथ जो है वो आपका बेल्कनी एरिया अटैच रहने वाला है। इनफैक्ट किचन के साथ भी, तो मतलब आपको वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है यहाँ पे। और फॉल सीलिंग जो है, फॉल सीलिंग आपकी इसमें एज इट इज़ रहेगी विद LED लाइट्स के साथ। आपको यहाँ पे मेश डोर मिल रहा है विद UPVC जो है विंडो के साथ। तो आगे चलते हैं, अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आपके बेडरूम को छोड़ के जो बाकी आपका जो स्पेस रहने वाला है वो सारा आपका इटालियन मार्बल आ जाएगा, राइट। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा है। जब हम एक घर में, सपोज दैट अगर मैं ही किसी अपने फ्रेंड के घर में जाती हूँ तो ऐसा अमेजिंग फ्लैट देख के मेरी भी आंखें ऐसी रह जाएंगी, क्योंकि बहुत ही सच्ची में बहुत अमेजिंग फ्लैट है ये।
साइज की मैं बात करती हूँ, साइज तो चलो यार हमेशा ही मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग है मुझे जहाँ तक लगा, जहाँ तक मैंने फील किया है। वाइब्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। स्पेस आपका देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा स्पेस हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आपका डाइनिंग लिविंग एरिया आ गया, जो जिसमें 7-8 सीटर यहाँ पे आप अपनी मूवी इंजॉय कर सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने पेश करते हैं बहुत ही घर का स्पेशल एरिया, किचन। जी हाँ, सही सुना आपने, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज ये एरिया सिर्फ लेडीज के लिए ही नहीं है, अब ये जेंटलमैन्स के लिए भी है, क्योंकि बहुत मतलब प्रेफर करता है कि किचन कैसा होना चाहिए। तो किचन यार ऐसा होना चाहिए, इतना अमेजिंग होना चाहिए, जहाँ पे हमें इतनी ब्यूटीफुल सी मतलब वाइब्स आए, खाना बनाने में भी मज़ा आए कि हाँ यार ये किचन है। तो अब मैं बात करती हूँ आपसे, हमें यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या हमें चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं चिमनी आ जाती है, आपके होब आ जाता है, OTG ओवन आपका आ जाता है। एंड स्पेस की मैं बात करती हूँ आपसे, तो स्पेस आप देख सकते हैं कि इस अकॉर्डिंग जो है वो आपका यहाँ पे स्पेस आ जाता है, मतलब बहुत ही अमेजिंग सा स्पेस आ जाता है यहाँ पे। साइज़ काफ़ी अच्छा है यहाँ पे हमें मिल रहा है किचन का। एंड अब मैं बात करती हूँ इसी के साथ जो है एक स्पेस आ जाता है, मतलब कैमरामैन जो है वो उन्होंने बोला कि लाइट वहाँ ज़्यादा पड़ेगी, तो थोड़ा हाइड करना है, मतलब दिखाना है बट ओपन नहीं करना है इसको। तो पर मैं आपको बता ही देती हूँ, मैं से रहा नहीं जा रहा क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है इसमें। तो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे आपका स्टोरेज एरिया आ जाएगा, यूटिलिटी एरिया आ जाएगा, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस स्पेस की मैं बात करती हूँ, तो ये आ जाता आपका ब्रेकफास्ट काउंटर, बहुत ही अमेजिंग सा ब्रेकफास्ट काउंटर है यहाँ पे। मैं मतलब छुप गई थी इतने में क्योंकि मेरी हाइट जो है वो इसके आप सपोज कर सकते हैं, ऐसे खड़े होना पड़ रहा है मुझे। तो अब हम आगे चलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लिविंग एंड डाइनिंग। तो अब हम आ चुके हैं अपने डाइनिंग एरिया पे। आप डाइनिंग एरिया देख सकते हैं कि मैं कितने आराम से चल सकती हूँ यहाँ पे, और चेयर्स लगी है, काफ़ी बड़ा सा टेबल लगा है यहाँ पे, 6 सीटर जो है वो आपका डाइनिंग आ जाए, 6 या 8 सीटर आप बोल सकते हैं इसको। और उसके अलावा भी काफ़ी हमारा जो है यहाँ पे एरिया है, बार 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 मेरा ध्यान इसी साइड मूव हो रहा है, क्योंकि एक जो स्पेस है ठीक है एंड इंटीरियर है, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती कि क्या फीलिंग्स आ रही है, बहुत अच्छी वाली वाइब्स आ रही है मेरे को यहाँ पे। और जो सबसे प्यारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो आपका है बेल्कनी एरिया का, बहुत ही अच्छे साइज़ के यहाँ पे हमें साइज़ मिल रहा है बेल्कनी एरिया का, मेस डोर विद ग्लास डोर आपका यहाँ पे बेल्कनी एरियाज में, वुडन के जो है वो आपकी वर्क्स जो है कम्प्लीट हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो इटालियन मार्बल है वो आपके घर को 4 चांद लगा रहा है यहाँ पे। तो अब हम एंटर, एक सेकेंड सर, ये इसी फ्लैट का रूम है? नहीं, क्या बात कर रहे हो, तो सही में मतलब बहुत अमेजिंग साइज़ है। अगर मैं अपने व्यू से बोलूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 5-स्टार होटल के एक प्रेजेंट रूम में आ चुकी हूँ, इतना अमेजिंग है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। तो जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी कि मुझे सच्ची में इतना प्राइम क्यों लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना प्यारा इंटीरियर है, इतना प्यारा साइज़ है कि मतलब वर्ड्स ही ख़त्म हो गए यार मेरे पास, इतना मतलब ब्यूटीफुल सा अमेजिंग सा फ्लैट है, लग्जरी फ्लैट है, मेरा खुद का दिल आ गया है इस पर कि फटाफट इसको ना अपना बुक करूँ फ्लैट को। एंड इसमें आ जाती है आपकी एक ब्यूटीफुल सी अमेजिंग सी बेल्कनी एरिया, काफ़ी अच्छा साइज़ है, जिसमें आप मॉर्निंग या इवनिंग के जो है वो आप धूप का मज़ा ले सकते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में तो अंदर ही बैठना प्रेफर करेंगे, इवनिंग रात का व्यू आप देखना पसंद करेंगे रात को, क्योंकि सारा का जो सराउंडिंग में बात करती हूँ यहाँ पे ओपन एरिया है आपका, राइट। तो अब आ जाते हैं हम फॉल सीलिंग पे, फॉल सीलिंग आपके एज इट इज़ रहने वाली है विद LED लाइट के साथ। रूम साइज आप देख सकते, किंग साइज का आपका यहाँ पे बेड है, उसके अलावा यहाँ पे एक सोफा, छोटा सोफा लगा है, साइड टेबल इतने बड़े बड़े साइज के लगे हैं यार, और क्या चाहिए यार। आइए अब इसके साथ बताती हूँ, आपका अटैच जो है वो वॉशरूम आ जाता है, जिसमें आपकी पार्टीशन भी है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं अमेजिंग सा यहाँ पे वॉशरूम आपका जो है प्लान किया गया है। एंड अब आ जाते हैं हम अपने ड्रेसिंग एरिया पे। ड्रेसिंग एरिया जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से स्लाइडिंग ड्रेसिंग एरिया आपका रहने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। साइज़ आपका इसमें काफ़ी अच्छा है, मतलब
लग्जरी है तो लग्जरी हो तो यार ऐसा ही हो, मुझे तो लगता है यहाँ पे। तो आगे चल के देखते हैं कि क्या दिखने वाला है हमें। तो अब हम आगे बढ़ते हुए, रुको रुको, एक मेन पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका आ जाता है पैनिक बटन किड्स एंड एल्डर्स के लिए। तो कभी भी कुछ भी होता तो आप इसे प्रेस कर सकते हैं, मैं नहीं अभी कर सकती। तो अब हम आगे चलते हैं, अब हम आ चुके हैं होटल के सेकंड रूम में। सॉरी मजाक कर रही हूँ, मतलब उसी प्रॉपर्टी के हम सेकंड रूम में आए हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाता है स्टार्टिंग वॉशरूम, जो बहुत ही अमेजिंग है। लग्जरी वर्ड तो यार मुझे हटाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज आपको हर एक जगह से देखने से ही लग रहा है यार ये लग्जरी सेगमेंट है, क्योंकि स्पेस क्वालिटी बोल बोल के थक गई हूँ यार। अब समझ जाओ देख के कि क्या फील आ रही है जगह को देखने से, आपको भी पता, आप भी देख रहे हैं। तो ये ना सिर्फ फ्लैट, सच बताऊँ आप ही के लिए है, आपके लिए ये जो है सारा फ्लैट है। यहाँ पे आपकी आ गई है ब्यूटीफुल सी स्पेस कबर्ड की, जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह जो है स्टोर कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने रूम को डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब ऐसा सारा का सारा अगर आपको ऐसा इंटीरियर चाहिए तो वो भी हम दे देंगे, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आपका साइज़ बहुत ब्यूटीफुल, मतलब काफ़ी अच्छा स्पेशियस साइज़ है। साइज़ के साथ में आपकी आ जाती है अटैच बेल्कनी, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रीशियस टाइम के साथ। अगर आपको कुछ लाइक बुक रीडिंग या कुछ भी है तो आप वहाँ पे बहुत आराम से नेचर का जो मज़ा लेके आप पढ़ सकते हैं। मतलब नो वर्ड्स, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, इसके रिगार्डिंग सारा मैंने आपको फ्लैट घुमा दिया है। रुको फ़ोन आया, दो मिनट। हेलो, हाँ पापा, मैं एक्चुअली शूट पे आई थी, मुझे ना इसलिए फ़ोन करी थी, यहाँ पे मुझे एक फ्लैट बहुत पसंद आया तो बुक कर लो ना प्लीज़। हाँ मैं आपको डिटेल कर देती हूँ सेंड। हाँ मैं बस थोड़ी देर में आपको कॉल करती हूँ, थोड़ी फैसिलिटीज़ बतानी है, फिर मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? तो जैसे कि आपने सुना, मैं फैसिलिटीज़ आप पहले आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद करते हैं डिस्कस बाकी, आइए। तो सैम्पल फ्लैट मैंने आपको दिखा दिया है, तो अब हम बात करते हैं सोसाइटी में जो हमें फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, बहुत ही अमेजिंग सी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। अगर मैं आपसे बताती हूँ कि लग्जरी जो है, क्यों मैं बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 8 acres का जो है वो आपका पार्क रहने वाला है, सेंट्रल पार्क 8 acres का है जी हाँ। 14 parks जो है वो आपके थीम पार्क आ जाएंगे सोसाइटी के। इसके अलावा मैं बात करती हूँ लग्जरी हम सोसाइटी मतलब फ्लैट में हम क्या दे रहे हैं, कस्टमाइज बालकनी मुझे नहीं लगता आपने कहीं देखी है, कस्टमाइज आप बालकनी आपको यहाँ पे मिल रही है, राइट? इसके बाद आपका हाई स्पीड एलिवेटर, प्राइवेट मूवी थिएटर, एंड अगर सिक्योरिटी की पर्पज़ की मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कुछ सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे घर के अंदर ही, मतलब आपके फ्लैट के अंदर ही जो है पैनिक स्विच ऑफ किड्स एंड एल्डर्स दिया, मतलब स्विच दिया गया है। एंड इसके अलावा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस रहेगी, सिक्योरिटी सर्विसेज रहेंगे, इसके अलावा गैस के लीक डिटेक्शन आपके जो है इसमें रहेंगे, एंड पाइपलाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको काउंट भी नहीं करवा सकती, लिस्ट बनानी पड़ेगी मुझे, तो आप टेंशन ना लीजिए बट इसके लिए, क्योंकि आपको जो है दिए गए नंबर पर कॉल करना है। हमारे जो एक्सपर्ट पैनल, एक्सपर्ट टीम जो है वो आपको 24/7 एक्सप्लेन करने के लिए रेडी है, दिए गए नंबर पर कॉल करें इसके लिए और जल्दी से जल्दी अपना घर बुक करवाएं गोल्ड मार्क में। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कि हमारी वीडियोज़ जो है वो आपको कैसी लगती हैं, कुछ फीडबैक दीजिए कि जहाँ पे आपको लगता है कि हमारी वीडियोज़ में पॉइंट कुछ नहीं है, अगर आप अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो बेफिक्र आप कर सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए आप हमारी वीडियोज़ को, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है सभी तक पहुँच सके जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं। एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।